नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट फार्मा 20 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं रविंदर सिंह, आप देख रहे हैं बेस्ट फार्मा 20 यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों इस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के और निशान पर क्लिक करें, जब भी हम वीडियो डालें आप देख पाएंगे सबसे पहले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मुर्गियों में आने वाली बीमारियों को आने से पहले कैसे रोकें। जी हाँ दोस्तों, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों इसमें आपको एक देसी नुस्खा बताऊंगा, उससे आप अपनी मुर्गियों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी इस टाइम बारिश का मौसम चल रहा है और ये ख़त्म होने वाला है। इसके बाद में अभी सर्दी आने वाली है। तो आपको पता है कि जैसे कि मौसम में चेंज होता है, जैसे बारिश से सर्दी में जाएगा तो मुर्गियां बीमार काफ़ी होएगी। अभी आपको पता है पीछे जो बारिश की सीज़न चल रही थी उसमें काफ़ी मुर्गियां फार्म में मरी हुई है। क्यों मरते हैं? ये ऐसे वायरल होते हैं उसके कारण मरते हैं मुर्गियाँ। और अभी खासकर ये बारिश का सीज़न ख़त्म होके सर्दी के सीज़न में जाएंगे तो इससे क्या है कि टेम्परेचर चेंज होगा। जैसे धूप होती है तो उसमें टेम्परेचर हाई होता है, बारिश के मौसम में डाउन आ जाता है और सर्दी में तो आपको पता ही है डाउन आएगा ही। तो ऐसे क्या है कि जैसे मौसम चेंज होते हैं तो मुर्गियां इसमें बीमार पड़ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए अपन को एक देसी नुस्खा अपन घर पे ऐसे अपना सकते हैं। तो इससे क्या है कि अपनी मुर्गियां बीमार भी नहीं होएगी और भी बैक्टीरिया होता है उससे भी बचेगी, इम्यूनिटी मजबूत होगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अपनी मुर्गियों के लिए आप हल्दी पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप कच्ची हल्दी का भी कर सकते हैं या जो सूखा पाउडर होता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चाहे आप अपने देसी मुर्गी पालक हो या आप ब्रॉयलर मुर्गी पालक हो, वो आप दोनों आप उन हल्दी पाउडर का प्रयोग करके अपनी मुर्गियों को सर्दी और जुकाम बुखार से बचा सकते हैं। जी दोस्तों, इसका प्रयोग कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊँगा और कितनी मात्रा में करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे क्या है कि आप ज़्यादा मात्रा में कर देते हैं, कम मात्रा में कर देते हैं तो उसका नुकसान भी थोड़ा होता है, लेकिन इतना नुकसान नहीं है कि देसी नुस्खा है तो इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हल्दी पाउडर देने से अपनी मुर्गियों को क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों हल्दी पाउडर देने से अपनी मुर्गियों को हल्दी में जो होते हैं एंटी फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्साइड, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरिया, वो अपनी मुर्गियों को उस हल्दी के द्वारा, हल्दी पाउडर देते हैं उसके द्वारा अपनी मुर्गियों को मिल जाता है। और दूसरा तरीका ये कि अपनी मुर्गियों को हल्दी देने के कारण अपनी मुर्गियों की इम्यूनिटी होती है वो मजबूत हो जाती है। तो इससे क्या है कि मुर्गियां बीमार बहुत कम पड़ती है, ठीक है। और जब अपनी मुर्गियों को अपन हल्दी देते हैं तो इससे छोटी मोटी जो चोट होती है मुर्गियों में आपस में लड़ने से, चेहरे वेहरे पे हो जाती है, पंख में हो जाती है, छोटी मोटी चोट होती है उसका भी उससे इलाज हो जाता है, जो घाव होते हैं वो घाव भर जाते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अपनी मुर्गियों को जो हल्दी होती है वो कैसे देनी है, जो पाउडर होता है या कच्ची हल्दी होती है वो कैसे देनी है। जो कच्ची हल्दी आप दे रहे हो तो वो आप अपने मुर्गियों को दानों में मिक्स करके दे सकते हैं। जैसे कच्ची हल्दी होती है उसको कद्दूकस करके और अपनी मुर्गियों की जो फीड होती है उसमें आप मिक्स करके अपनी मुर्गियों को दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो आप जो हल्दी पाउडर होता है उसको आप पानी में मिक्स करके आप दे सकते हैं। कितनी मात्रा में देना वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी मुर्गियों को किस हिसाब में कितने पानी में आप हल्दी पाउडर दे सकते हैं, ठीक है। 10 ग्राम कच्ची हल्दी को कद्दूकस करके आप 1 किलो फीड में अपनी मुर्गियों को दे सकते हैं, ठीक है। और आप पानी में दे रहे हो तो आप सूखा हल्दी पाउडर होता है 6 से 7 ग्राम पाउडर पानी में मिक्स करके अपनी 100 मुर्गियों को आप दे सकते हैं। और दोस्तों आप हल्दी पाउडर को हफ्ते में 3 बार दे सकते हैं अपनी मुर्गियों को, चाहे ब्रॉयलर हो या देसी हो, उनको आप हफ्ते में 3 बार दे सकते हैं। और देने से पहले आप ध्यान रखें कि या तो सुबह के समय दें, जैसे ही आप अपनी मुर्गियों को बाहर निकालते हो तो उस टाइम आप पहले हल्दी पाउडर पानी में मिक्स करके अपनी मुर्गियों को पिला सकते हैं, या आप शाम के समय दें, जैसे कि संध्या के समय 6-7 बजे के जैसे सूर्य अस्त होता है उस समय आप अपनी मुर्गियों को पानी पिलाते हो तो उस टाइम में हल्दी पाउडर मिक्स करके आप दे सकते हैं, या रात के जो सुबह की फीड होती है उसमें आप मिक्स करके कच्ची हल्दी दे सकते हैं, ठीक है। आपके छोटे चूजे हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं, उससे भी क्या है कि उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है तो वो बीमार नहीं पड़ते, मोर्टिलिटी होती है वो बच जाती है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जरूर तुम दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।
तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करें। जैसे ही नेक्स्ट हम वीडियो डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।